जोहार भाई और बहन सब, स्वागत है तो इनके हमर एक और न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग काफ़ी स्पेशल हुए ला, स्पेशल इसीलिए कहे कि बुढ़वा महादेव बड़का गांव में पहली बार वसुंधरा कल्याण के एंट्री हो लो, यानी वसुंधरा कल्याण यहाँ आ लो। वही वसुंधरा कल्याण जे अभी 22 जनवरी के जिस दिन राम मंदिर के उद्घाटन हले उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ले हले। बोतल के ठेपी से हजारीबाग में बहुत ही बड़ा राम भगवान के पोर्ट्रेट बना के जे कि पूरा दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन ले है। वही वसुंधरा कल्याण आज हम इनके बुढ़वा महादेव में आल हो, यहाँ के साफ़ सफाई करे ले, जे यहाँ कचरा कर दिले थून अगर साफ सफाई करे ले और प्रकृति के बारे में कुछ संदेशा दिए ले तो इन ब्लॉग में कंटिन्यूसली बनल रहा। अभी हम इन चलो ये वहाँ और देखो ये का कार्यक्रम हो वेला है। ऐसे ज़्यादा देर ना रुकब क्या है कि बड़ी बड़का बड़का आदमी आल थीन। बुढ़वा महादेव, वही बुढ़वा महादेव जे कि राजा दलेल सिंह के द्वारा बनावल गेल। यहाँ जो मंदिर है वो मंदिर के बनेले है राजा दलेल सिंह, जकर इतिहास 1400 पुराना है, 1400 ईस्वी पुराना है। और यहाँ पे राजा दलेल सिंह के बनावल गुफा और ओकर बहुत ही प्राचीन प्राचीन चीज़ अभी भी बोल सको ही कि सेफ है और अनसेफ भी है। क्या है कि यहाँ पे इंजॉय करे लावो थुन आदमी, घूरे लावो थुन, पर्यटक स्थल है, लेकिन साथ ही साथ कचरा कर दे लेते। और तो इनके बतलियो कि यहाँ पे वसुंधरा कल्याण और ओकर सदस्य आल हथिन साफ सफाई करे ले और कुछ संदेशा दिए ले। तो पहले यहाँ के ग्रुप के जो आदमी आल हथुन जो मेम्बर सब हथुन ओकिन से मिलो ही, भैया आप लोग कुछ संदेशा देना चाहेंगे, आप लोग कुछ संदेशा देना चाहेंगे हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग बनाते हैं जो भी इधर आते हैं, ये जो भी इधर आते हैं ये पूजनीय, नमो शुदा, जो भी इधर आते हैं ये पूजनीय स्थल है, तो इधर आके कृपया कचरा इधर उधर ना फेंके, बस यही कहना है। क्या कि बुढ़वा महादेव बहुत ही खूबसूरत जगह है और सबसे निवेदन करो ये कि यहाँ के प्रकृति के खराब ना कर, इतना खूबसूरत जगह है, इतना पुराना इतिहास है बुढ़वा महादेव के, तो एक बनेले रख का, सही बोले रे भाई साहब। बाकी यहाँ हमारे एक दोस्त भी आल है तो अपन दोस्त से भी एक बार मिल लो, या नतन कथा छोड़ा अल और हमारे से ना मिल ले। और देख सको है कि बुढ़वा महादेव में इतना सारा कचरा निकल लिया, मतलब ये कचरा तो देश विदेश से अल ना, यहीं के आदमी आके खा पी के फेंक दिले थी, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा ना कि सिर्फ वसुंधरा कल्याण ही है जो कि देखभाल करते पूरा प्रकृति के, हम इन हर एक के कर्तव्य बनो है कि जितना भी है प्रकृति ओकरा बनेले रही है, ओकरा साफ सुथरा रखिए और जो नेचर है ओकरा बरकरार रखिए। नतन का प्रकृति हम इनके बदला ला, तो एक कहावत है कि काटते हो जंगल और बनाते हो शहर, कि काटते हो जंगल और बनाते हो शहर, और तुम्हें क्या लगता है कि प्रकृति हमें छोड़ देगी? अरे पगले, सुनामी, तूफान, आग आदि के रूप में प्रकृति लेती है अपना कहर। और हमारे अन्नू दोस्त भी मिल गए हैं, तो कुछ बोले चाहे पहले बोल, सबको जोहार। और यहाँ संदेशा दे पहले, कुछ थोड़ा सा संदेशा दे सकते हैं? संदेशा देना चाहते हैं कि पृथ्वी को बचाए, साफ सफाई रखे और पेड़ को ना काटे और प्रकृति को बनाए रखे। जी हाँ दीदी, हम ही है एलपी ब्लॉग, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? तो आपका वीडियो बहुत अच्छा बनता है और इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे अभी के टाइम में तो कोई कोठा में जल्दी वर्ड ही तक यूज नहीं करता, और आप इतना अच्छा बनाते हैं ना कि अगर मन उदास है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन बुरा नहीं लगता लड़कियों के लिए इतना खराब बोलते और हमारे आप सही बनाते, बात सही रहता है ना कुछ। हाँ लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं उतना। और इसी के साथ हम इनके बीच हो अभी एडी ग्रुप के भैया लीडर है ना, बिल्कुल ये एडी ग्रुप चलाते हैं, म्यूजिक ग्रुप। भैया गाना बहुत अच्छा लगता है और इंतजार भी करते हैं, तो आप लोग इसी तरह और मेहनत करते रहिए और बनाइए थोड़ा और पब्लिक को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देते रहेंगे इसी तरह से आप लोगों का सहयोग। और बाकी आप लोग यहाँ पे आए सबको स्पेशली हम खोटे में बोलबो, ठीक हो? कहा कि हमारे खोटे लैंग्वेज को कहा कि हिंदी बोले लगभग ने तो तनी सुन हम गड़बड़ा जिबो, कहा खोटा बोले कहा देते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा कल्याण की टीम के कि तोहिन बुढ़वा महादेव में ली, यहाँ की प्रकृति के बरकरार रखे ले ली और आदमी के संदेशा दिए ले ली कि हजारीबाग में एक खूबसूरत जगह है। बहुत कम आदमी जानो थी भैया यहाँ के बारे में कि इतना खूबसूरत जगह।
जगह है। अब यहाँ घूम ले कहाँ, इधर जितना भी पहाड़ दिखला गल ने हर एक लोकेशन में घूमे वाला जगह है, और इतना खूबसूरत खूबसूरत जगह है कि चैलेंज दो सबके जवान से सिर्फ एक ही बात निकलता कि हजारीबाग में ऐसा खूबसूरत जगह और कहीं ना हो। सच में अगर कभी घूमे को तो एक बार एलपिया के जरूर याद करिए। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और अब हम इनके बीच कुछ मेंबर सब हतुन उपस्थित, और हम इनके यहाँ के बारे में जानकारी देता थून, जिन के ग्रुप हो उस बारे में जानकारी देता थून। तो भैया आप लोग मिशन से कोई बताइए आपके ग्रुप के बारे में। नमो वसुधा, हमारा ग्रुप जो है वसुधा कल्याण फाउंडेशन, जो कि हजारीबाग से है, और हजारीबाग में केवल लिमिटेड नहीं है, कई जगह में लाइक ग्रीडी हो गया, चतरा हो गया, बड़कागांव हो गया। और हमारा जो मेन मोटो है वो है कि प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। हम लोग पर्यावरण जहाँ भी प्रदूषित हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। जैसे कि पर्यावरण जो है वो कचरे से प्रदूषण हो रहा है, शीशा से प्रदूषण हो, जो बॉटल लोग ड्रिंक करके और फेंक देते हैं उससे प्रदूषण हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, इस प्रदूषण में जीना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह जाके साफ़ सफाई करें। वैसा ही आज हम लोग हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में आए, बूढ़ा महादेव पहाड़ पर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई गंदगी था, तो हम लोग उसको साफ़ सफाई किए हैं। लाइक प्लास्टिक की बॉटलें मिली है, प्लास्टिक के ग्लासेस मिले हैं, तो उस चीज़ों का सारे हमारे जो वॉलेंटियर थे और यहाँ के लोग, वन विभाग के कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ को साफ सफाई किया है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके ग्रुप को, जो आप लोग बुढ़वा महादेव में आए और यहाँ के जो गंदगी है उन लोग को उसका साफ सफाई किए। बाकी अब फिर से खोटे में बोलबो, कहा है कि भैया हिंदी में तनी सुन बोल लो, बस हम मोटी हो गए हिंदी में बोले ले। लेकिन फिर से खोटे में बोलबो, फिर से हम एक बार याद दिलावेल चाहूँ तो इनके अपन पिछला ब्लॉग के बारे में। हम इन पिछला ब्लॉग में गए लिए बादम के किला, जे कि राजा दलेल सिंह के ही बनावल गए, और ये भी मंदिर और यहाँ के जो प्राचीन चीज़ है, जो यहाँ के लिखावट वगैरह हो, जो गुफा हो, वो भी राजा दलेल सिंह के ही बनावल हो, जो कि अब अस्तित्व ओकर खतरा में हो, धीरे धीरे वो मिटल जा लगल हो। और दूसरा वजह हो कि जो यहाँ घूमे आओ तो नुकिन कचरा कर दिए लगल हो, ये सब खराब बात है भैया। तोहन से एक चीज़ कह चाहो यो कि प्रकृति से तोहन प्यार करा, प्रकृति तोहन से प्यार करता हो, बात तो सही है। और इसी के साथ यहाँ पे मिल गए हो हमारा टीम एडी, जो कि हजारीबाग के काफ़ी चर्चित म्यूजिक ग्रुप हको, एक इनके म्यूजिक ग्रुप चलाओ तुन भैया सब, जो कि काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी मस्त गाना भी गाओ तुन। तो चल अभी भैया सबसे तो इनके मिलाओ यो, भैया ये हेड है एडी ग्रुप के, एडी म्यूजिक ग्रुप के। भैया आप यानी कि तू कुछ संदेशा दिए चाहो भैया हमार, कुछ बोल। अभी हम लोग आए हुए हैं बड़कागांव में, तो अचानक से हम लोग मिल गए भाई से, तो अच्छा लग रहा है मिलके, और इसीलिए बोलना चाहता हूँ मैं कि आप सभी लोग भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें और म्यूज़िक को सपोर्ट करें। ठीक है, बस यही कहना है, अब म्यूजिक से प्यार कर, कहा है कि म्यूजिक ही एक ऐसा चीज़ हो, अगर उदास रह ली तो गाना सुनने के मन करता, खुश रह ली तो गाना सुनने के मन करता, छौड़ी छोड़ देता तो गाना सुनने के मन करता। इसीलिए प्यार करा म्यूजिक से, और अगर कभी कुछ वैसा प्रोग्राम वगैरह करे कोई तो धार्मिक वाला, तो भैया सबसे जरूर कांटेक्ट करिए एडी म्यूजिक ग्रुप हजारीबाग, है ना भैया। और हमरा बुढ़वा महादेव में ये छोड़ा सबसे अच्छा लगलो, क्या है बहुत अच्छा छोड़ा लगलो, बताओ थे कहा लगलो से, क्या है कि जहाँ जहाँ यहाँ कार्यक्रम हुए लागल हो ने, ये हमरा वहाँ ले जा लागल हो, क्या कि हमरा पता ना किधर का कार्यक्रम हुए लागल हो, लेकिन ये उसी ग्रुप के लड़का हको तो एक सब कुछ पता हो, तो वहाँ हमारे ले जा लागल हो। अब इधर पेड़ की राखी बांधल जा लागल हो, तो चल अभी हम दिखावे लागल ही हो यहाँ पे वसुंधरा कल्याण के द्वारा जो कार्यक्रम हुए लागल हो। एक भैया मिल गए इधर, जोहार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम वीडियो देखो हमने। हाँ भैया, हाँ ठीक है, तो तुम हंसते रहिए। ये सब है वंदे देवी माता की, जय वंदे देवी
की जय, शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय, सकल समाज की जय। राखी बांधने के कार्यक्रम चालू हो गए, यानी कि हाँ बनावे लगल है। संदेश दिए चाहे तो तू उनकी हम इनके पेड़ के रक्षा करना हो। हाँ, दिल से। ठीक है, बाकी वसुंधरा कल्याण वाले आप लोग भैया सब कुछ बोलिए। वसुंधरा कल्याण वाले जिस तरह अभी रक्षाबंधन किए, सभी पेड़ को रक्षा करना है, केवल बांध के नहीं प्राकृतिक मन से भी रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि बांध दिए अगला दिन आके काट दिए, वैसा हम ही डालो ये। ठीक है, इंस्टाग्राम में हम ही डालो ये, लेकिन हम हंसाओ ये तो कहल चाहो ये कि पेड़ पौधा की काटना ना है। जिस तरह से आज यहाँ पे हम इन बांधे लागल है, उसी तरह से हमेशा रक्षा करना है। यानी कि जब बहन राखी बांधो है तो भाई वचन दो है कि बहन तोरा हम हमेशा साथ नहीं बेबो, तोरा कभी कोई तकलीफ में ना रह देबो। तो उसी तरह से हम इन भी यहाँ राखी बांधे लागल है पेड़ के, तो हमेशा इस बात के ख्याल रखना हो कि पेड़ पौधा के काटना ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बचाना हो। और इस संदेश दिए लागल हतन तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब हम घर जा लगलियो, कहे कि हम अपन गाड़ी और घोड़ा से नचे आयल और दूसर के गाड़ी से आलियो और अब हमरा घर जा पड़त। बाकी एक बार तो इनके बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुढ़वा महादेव आवे के लिए। सुनीता दीदी भी आल अपन ऐसे केला भी हमारे रिश्ता में कुछ नानी लग तो गोड़ लागलो ये पहले गोड़ लागो ये नानी तनिक आशीर्वाद ठीक से दे दे एकदम अच्छा से आशीर्वाद दे दी। हाँ, ताकि हम तरक्की करिए धीरे धीरे आगे बढ़ तरक्की करिए। अब घर जाइए, कहा कि दोस्तों मैंने इतना फोन कर दल तुम जैसे कि हम होकर जेनी है। एक बार यहाँ के मैडम से मिले, मैडम आप कुछ बोल दीजिए हमारे जो है सब्सक्राइबर और व्यूवर्स उनको। सर, आप सभी से ये अपील है, जो भी व्यूवर हैं आप फॉलो जो करते हैं, बहुत अच्छा काम है, यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, तो यंगस्टर्स वन और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दें, बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि वन बचाना आज के समय में बहुत बड़ी जो है वो एक हमारे लिए चुनौती बन चुकी है, क्योंकि हम इतने अपने व्यस्त लाइफ में जो है वो बिजी हो चुके हैं कि कोई भी बातों को तो करता है लेकिन बात करने से चेंज नहीं आता है। बात हमेशा बदलाव हमेशा तब आता है जब आप काम करते हैं। तो आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके वन और पर्यावरण के लिए काम करें और जितना जागरूकता फैला सके फैलाएं। और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद एलपी ब्लॉक की ओर से, आप और आपका टीम यहाँ पे आए बुढ़वा महादेव में साफ सफाई का अभियान चलाए और हम लोगों को इतना प्यारा सा संदेशा दिया। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत जी। चलो एलपीया, अब घर चलो ये फाइनली। Thank you.
भाई।